नेशनल शूटर कोनिका लायक को दी गई श्रद्धांजलि। कोयलांचल की धरती धनबाद में पली बड़ी नेशनल शूटर कोनिका लायक की शव संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। कोलकाता में कोनिका की लाश मिली। कोनिका की मौत साजिश है या हादसा, इसका अभी भी पता नहीं चल सका। कोनिका की मौत से परिजन और उनको जानने वाले शॉक्ड हैं। कोनिका धनबाद की रहने वाली थी और कई राष्ट्रीय पदक जीत चुकी थी। तेजस्विनी परियोजना महिला बाल विकास समिति झरिया ब्लॉक से क्षेत्रीय समन्वय सावित्री कुमारी, सद्दाम हुसैन सभी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, तेजस्विनी परियोजना से जुड़ी हुई युवा उत्प्रेरक सुषमा रानी, रुखसार ताज, प्रभा कुमारी एवं परियोजना के तहत जुड़ी हुई किशोरी एवं युवतियों के द्वारा झरिया ब्लॉक में स्वर्ण पदक विजेता राइफल शूटिंग कोनिका लायक के हत्या के विषय में सभी तेजस्विनी परियोजना के कर्मचारी एवं किशोरी युवतियों के द्वारा सीबीआई की जांच की मांग की गई एवं अपनी बात को मीडिया एवं सभी देशवासियों के साथ साझा किया गया। हम चाहते हैं कि इस विषय की पूर्णता निस्वार्थ से जांच की जाए और इस बड़ी परीक्षा में पूरे देशवासियों का समर्थन मिले, क्योंकि वो सिर्फ धनबाद की ही नहीं पूरे देश की बेटी थी। आज उसके साथ जो हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हमने आज झरिया ब्लॉक में कोनिका लायक के प्रति श्रद्धांजलि दी एवं 2 मिनट का मौन रखा और कैंडल मार्च जलाकर अपनी बात दुनिया से शेयर करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमें आपके समर्थन की बहुत आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित थे, शूटिंग में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कोनिका का चयन राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए हुआ था। राइफल के अभाव में वो राष्ट्रीय खेल में हिस्सा नहीं ले पा रही थी। तब एक्टर सोनू सूद ने उनकी मदद की थी। 2.5 लाख की जर्मन राइफल कोनिका को उपलब्ध कराया गया था। दुख है कि कोनिका जो हम लोगों के साथ 2 साल काम की, आज उसका इस तरह से मौत हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। हम लोग कोई पूरी टीम की तरफ से हम ये चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच की जाए, ताकि हम लोगों को भी शांति मिले कि उसके साथ क्या हुआ। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, कोनिका पे हमें पूरा विश्वास था। हम लोग बहुत अच्छे से 2 साल हम लोगों ने गुजारा है इस तेजस्विनी परियोजना में। उसके इस मौत से सिर्फ 1 सप्ताह पहले हम लोग सभी दुखी हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें इसकी मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। क्या नाम हो?